वन। नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग और कैसा चल रहा है आपका ऑलमोस्ट सेमी लॉकडाउन? वैसे आगे क्या होगा लॉकडाउन का, आई थिंक ये हमको जल्द ही पता चलेगा, पर तब तक मैं आपसे बात करने के लिए आई हूँ अबाउट ब्रेस्ट, ऑल अबाउट ब्रेस्ट। यस, ब्रेस्ट जो कि सबको होते हैं, आपको, मुझे, लड़कों को, लड़कियों को, सबको। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू नो दैट एवरी वन हैज ब्रेस्ट। ब्रेस्ट के बारे में मैं क्यों बात करना चाह रही हूँ, इसलिए बात करना चाह रही हूँ बिकॉज अ लॉट ऑफ अस गर्ल्स आर एक्सट्रीमली कॉन्शियस अबाउट आवर ब्रेस्ट। ब्रेस्ट बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जो कि हर किसी को लगता है कि शायद मेरे बहुत छोटे हैं या मेरे बहुत बड़े हैं। जहाँ पर एक तरफ एडवर्टाइजमेंट्स आती है ब्रेस्ट रिडक्शन की, वहीं पर एडवर्टाइजमेंट्स आती है ब्रेस्ट एनलार्जमेंट की भी। सो फर्स्ट थिंग दैट वी ऑल हैव टू नो इज दैट एज ह्यूमन बीइंग्स इट इज परफेक्टली नॉर्मल टू हैव ब्रेस्ट एंड ऑल ऑफ अस ऑफ ऑल जेंडर्स हैव ब्रेस्ट। तो ब्रेस्ट टिश्यू जो है ये दो पार्ट्स का, ब्रेस्ट ओवरऑल हम लोग का दो पार्ट्स का बना हुआ रहता है। वन इज कॉल्ड एज द ब्रेस्ट टिश्यू, मतलब एक्चुअल जो आपकी ग्लैंड्स रहती है, कनेक्टिव टिश्यू, नर्व्स एंड स्टफ लाइक दैट, एंड द अदर वन इज द फैट टिश्यू। फैट टिश्यू मतलब चर्बी। ये दोनों भी दोनों जेंडर्स में होते हैं, ऑलराइट? लेकिन फैट टिश्यू, ठीक है, तो ये दोनों ही जेंडर्स में होते हैं। लेकिन लड़के जो है वो अपना टी शर्ट निकाल के घूमते हैं, दे आर नेवर कॉन्शियस, बट एज गर्ल्स वी आर ऑलवेज कॉन्शियस। और हम लोग इतने कॉन्शियस हो जाते हैं, स्पेशली आफ्टर द टाइम दैट वी आर 13 और 14, कि हम लोग हमारा पॉस्चर ही चेंज कर देते हैं। पॉस्चर हम लोग चेंज कर देते हैं हमारी ब्रेस्ट दुनिया से छुपाने के लिए। सो लॉट ऑफ अस गर्ल्स इंस्टेड ऑफ लाइक बीइंग यू नो स्टैंडिंग विथ आवर चेस्ट ओपन, वी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिगिन टू यूज आवर शोल्डर्स टू समहाउ क्लोज आवर चेस्ट, ताकि और किसी को अपनी ब्रेस्ट दिखाई नहीं दे। अभी और किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप क्यों ले रहे हो? आपको जो पॉस्चर के वजह से प्रॉब्लम्स होंगे वो तो और कोई नहीं झेलेगा ना, वो तो आप ही को झेलना पड़ेगा। तो ये रॉन्ग पॉस्चर के वजह से आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? नेक दुखना, शोल्डर की मोबिलिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जाना, हेडेक्स होना, माइग्रेन के अटैक्स आना, इनडाइजेशन होना, एसिडिटी होना, ब्लोटिंग होना, नेगेटिव फील करना, डिप्रेसिव फील करना, रातों की नींद उड़ जाना, ये सारा कुछ रॉन्ग पॉस्चर से हो सकता है। ऑफकोर्स आज आपने रॉन्ग पॉस्चर किया तो आज नहीं होएगा, लेकिन ये रॉन्ग पॉस्चर अगर ऐसा ही अनकरेक्टेड चलता रहा 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, तो इट कैन लीड टू मल्टीपल इश्यूज। सो फर्स्टली वी शुड नो दैट वी हैव नथिंग टू हाइड। ब्रेस्ट में क्या छुपाने का बात है, ओके? सो सिर्फ सर झुका के नहीं, छाती तान के खड़े रहिए, क्योंकि तभी आपका पॉस्चर अच्छा रहता है, और जब आपका पॉस्चर अच्छा रहता है तभी आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। नाउ जब पॉस्चर अच्छा रहता है, दैट्स ऑल्सो द टाइम वेन योर लंग्स हैव द बेस्ट चांस of taking in all the oxygen that is available to them. If you keep closing it like this, then over a period of time, not just postural issues and not just biomechanical issues related to shoulder, neck, lower back, head and stuff, but you will also begin to have heart and lung issues. So, kai ko itna cardiorespiratory issues tak hum log apni life kharab kar rahe hain. All right. So, number one, both genders have the breast. That's the first thing that we should know. The second thing that we should know is that it is only women who get conscious about it. So as women, we don't have to get conscious about it at all. All that we should care about is that our breasts are healthy. Breast is healthy matlab kya? Breast healthy matlab it should not weigh us down. उसका वेट हमारे नेक पे या हमारे शोल्डर्स पे हमको फील नहीं होना चाहिए, और हमारे पीरियड्स के टाइम पे वो हर्ट नहीं होने चाहिए। दैट इज अबाउट ऑल दैट यू नो वी नीड टू लुक एट। नाउ बिहाइंड दिस ब्रेस्ट टिश्यू एंड फैट टिश्यू देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पेक्स। पेक्स इज द मसल दैट होल्ड्स द ब्रेस्ट,
ओके, पेक्स इज द मसल विच इज द चेस्ट मसल. चेस्ट मसल को पेक्स बोलते हैं. पेक्स एज इन पेक्टोरालिस मेजर और पेक्टोरालिस माइनर करके उसका नाम है. लोकल जिम लैंग्वेज में उसको पेक्स बोलते हैं. तो ये मसल जो है ये हमारे ब्रेस्ट टिश्यू को सपोर्ट करता है. अभी अगर आप ऐसे ही खड़े रहे तो फिर आप आपके मसल्स को एंगेज ही नहीं करते, फिर वो मसल्स वीक होते जाते हैं और वीक मसल जो है वो इस ब्रेस्ट टिश्यू और फैट टिश्यू को होल्ड अप नहीं कर पाता, विच इज व्हेन सैगिंग बिगिंस टू हैपन. सो सैगिंग इज नॉट सो मच अ फैक्टर ऑफ एज एज मच एज इट इज ऑफ मस्क्यूलर वीकनेस. तो आपको पेक्टोरालिस मतलब पेक्स को आपके चेस्ट मसल को तो स्ट्रॉन्ग रखना ही है. वन ऑफ द वेज ऑफ कीपिंग इट स्ट्रॉन्ग इज टू जस्ट स्टैंड विथ योर शोल्डर्स अपार्ट एंड शोल्डर ब्लेड स्क्वीज्ड इन. बट विद दैट यू नो विद द पेक्स मसल यू ऑल्सो हैव टू लुक आफ्टर योर बैक मसल्स विच आर कॉल्ड एज द ट्रैप्स एंड द लैट्स. तो ये हो गया आपका चेस्ट का मसल, ये हो गया आपका बैक का मसल. ओके, ये बैक का जो मसल है ट्रोपीजियस और लैटिसिमस डोर्साई, जो आपके बैक को ऐसा ऐसे मूव होता है वो शोल्डर से आपके स्पाइन के तरफ, ठीक है. तो ये दो मसल्स भी आपको यूज करने हैं, मतलब अपर बॉडी में आपकी बैक भी स्ट्रांग होनी चाहिए और आपकी चेस्ट भी स्ट्रांग होनी चाहिए. तभी अगर आपको लग रहा है कि आपके ब्रेस्ट छोटे हैं तो वो बड़े दिखने लगेंगे, बिकॉज दे विल गेट लिफ्टेड अप. और अगर आपको ऐसा लगता है दैट योर ब्रेस्ट्स आर सैगिंग टू मच और आर टू हैवी, देन दे विल ऑल्सो नॉट बिकम अ बर्डन नॉर विल दे सैग यू डाउन, बिकॉज योर पेक्स एंड योर लैट्स बोथ विल गेट एंगेज एंड लिफ्ट द ब्रेस्ट अप. नाउ देयर आर अ फ्यू सिंपल एक्सरसाइजेस दैट यू कैन डू टू मेक दिस हैपन. फर्स्ट ऑफ ऑल, हैंडल इट इन योर हेड एंड नो दैट इट इज परफेक्टली नॉर्मल टू हैव द ब्रेस्ट. If men are okay having it, why are women making it a problem for themselves to have breast? It's totally fine to have breast. They are just as beautiful as your face, your hands, your legs, your you know, and stuff like that. We have to really accept our body for what it is. So that's the first thing, that do not get conscious about your body, more importantly about your breast. And it's not, don't make it your full-time job to hide from everyone else. Okay, so that's the first thing. Now second thing, what can you do for your chest and back? So first of all, learn to open your shoulders out. You've all learned this. So pehla to seedha khada raho with your feet under your hips, lift your chest up. To chest aisa nahi hona chahiye, chest ko lift karo, roll your shoulders back, squeeze your shoulder blades together and work at pushing them down towards their hips. Now what you can do is interlock your fingers and make this action a little stronger than what it would be if you just stood like this. So get your fingers together, get your hands together, interlock your fingers and now pull your shoulders down with the help of your hands. So make your palms heavy, pull your shoulders back. So roll your shoulders back, pull them down and work at lifting your chest up. While you're doing this, remember to not throw your stomach out. So stomach stays in, chest is up. So this is the first exercise that you're all going to do. Okay, now the second exercise that you're going to do is what we call as a wall push-up. The wall push-up will help the pecs. So you will now go and you're going to keep your hands by your chest. You can move back a little bit from the wall and then simply go towards touching the wall. So get your chest to close, to touch the wall and come fully extended. So elbows extend hone tak wapas up. So go down and come up and go down and come up. So very simply, this is what you're going to do. Do it at least for 5 counts. And after that, so this will involve your pecs. Now for your back or the traps and the lats, again with your arms by your chest, move back a little bit and then walk in towards the wall and then go up on your toes and then work at rolling the chest back and lifting your chest up. So roll your shoulders back, roll your chest back, lift your chest up and work at engaging your back. When you're done,
Now keep your forehead rested on the wall for a minute and then come off. So get your shoulders to work, get your chest to work, get your back to work, or sirf sar utha ke nahi lekin chhati taan ke jiyo. Thank you very much for watching. I'll see you tomorrow once again at 9 a.m. and we continue the series of health and well-being at home. Thank you very much for watching. Bye bye.